Good morning, students. Now look at the board. The lesson today I am going to start is A Void Made in My Heart by Charles Dickens. Charles Dickens का लिखा हुआ ये story आज हम यहाँ से start करेंगे. In the previous video, I just gave you an introduction to the story. Previous video में मैंने तुम लोगों को story का introduction बताया था कि कैसे ये story start होता है. What is the context of this passage? अब देखो तो डेविड कहां जा रहा है. डेविड के स्कूल के वैकेशन हो गया. अब वो पेगोडी के साथ जा रहा है बिकॉज ही हैड नो वेयर टू गो. वी मेड सो मेनी डेविएशंस अप एंड डाउन द लेंस. हम लोग अप एंड डाउन द लेंस मतलब बहुत सारे लेंस गलियां होके डेविएशंस मतलब जो गलियां हैं छोटे छोटे जो रास्ते टेढ़े मेढ़े जो रास्ते होते हैं इसको बोलते हैं डेविएशंस. डेविएशंस टर्न्स एंड चेंजेस बहुत सारे टर्न्स. कभी तुम इस रास्ते से गए कभी इसमें टर्न लिया कभी ऐसे गया तो इट इज कॉल्ड डेविएशंस टेकिंग लॉट ऑफ टर्न्स. हम लोग गए द लेंस एंड आई वाज क्वाइट टायर्ड. मैं बहुत थक गया था एंड वेरी ग्लैड मैं बहुत खुश था. व्हेन वी सॉ यारमाउथ जब हम लोग यारमाउथ में पहुंचे जब मुझे यारमाउथ दिखा यारमाउथ में जब पहुंच गए इतने जर्नी के बाद. एज वी ड्रीव ए लिटिल नियरर जब हम और थोड़ा नजदीक गए एंड सॉ द होल एडजेसेंट प्रोस्पेक्ट जब आसपास के एडजेसेंट मीन्स जो नियर अबाउट प्लेसेस है वो उसका जो प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है व्यू ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और लैंड एरिया का जो व्यूज है आसपास जो हम व्यूज जब हम देखने लगे देखे हम लाइंग इन ए स्ट्रेट लो लाइन अंडर द स्काई जो आसमान के नीचे लो लाइन की तरह था एकदम. आई हिंटेड टू पेगोटी दैट ए माउंड और सो माइट हैव इंप्रूव्ड इट. तब मैंने पेगोटी को बताया अगर यहां पर कोई माउंड होता तो ऊंचा सा टीला जैसा ऊंचा सा स्मॉल हिल टाइप तो ये जगह और अच्छा लगता. बट पेगोटी सेड दैट वी मस्ट टेक थिंग्स एज वी फाउंड देम. पेगोटी ने बोला कि जैसे कोई भी नजारा हमको दिखता है तो वो जैसा है उनको ऐसा ही समझ लेना चाहिए. एंड शी वॉज प्राउड टू कॉल हरसेल्फ ए यारमाउथ ब्लोटर और पेगोटी अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती थी कि वो एक यारमाउथ ब्लोटर है. ब्लोटर मीन्स ए काइंड ऑफ फिश जो पानी में मिलता है तो यारमाउथ का फिश वो मानते थे अपने आप को. क्यों देखो स्टूडेंट्स आई मस्ट टेल यू हु पेगोटी इज. पेगोटी इज द मेड सर्वेंट. पेगोटी है एक नौकरानी लेकिन वो उसके मम्मी की तरह था. और डेविड ऑलवेज लुक्ड अपॉन पेगोटी एज अ रिस्पेक्टेबल लेडी एज वेल एज अ काइंड लेडी. तो यारमाउथ पेगोटी थॉट हरसेल्फ टू बी यारमाउथ ब्लोटर. पेगोटी अपने आप को यारमाउथ ब्लोटर या मछली की तरह समझता था क्योंकि पेगोटी ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जैसे मछली अपने आप को एक पानी में जैसे कंडीशन हो अपने आप को ढाल लेता है उस कंडीशन में वैसे ही लाइफ हमारा ऐसा ही होना चाहिए. आवर लाइफ शुड ऑल्सो बी लाइक दिस. वी मस्ट एक्सेप्ट द कंडीशंस वी आर गोइंग थ्रू और द हर्डल्स वी आर गोइंग थ्रू. इफ वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट द हर्डल्स और द कंडीशंस वी आर गोइंग थ्रू वी विल नॉट बी एबल टू अडॉप्ट आवर सेल्फ. एंड इफ वी आर अनेबल टू अडॉप्ट आवर सेल्फ वी कांट लिव वी कांट सर्वाइव. Here's my am, screamed Peggotty. ये है मेरा am. उसके वो आ गए वो लोग गाड़ी से उतरे तो am बाहर खड़े थे. am actually कौन है देखो इधर लिखा हुआ है. actually ये है ham. ham. तो ये चार्ल्स डिकेंस का स्पेशलिटी है कि वो ये दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश को कैसे उच्चारण करता है. जैसे हिंदी में बहुत सारे उच्चारण सटीक नहीं होता है वैसे ही बोले here's my am. मैंने ये मेरा हैम है तो हैम को वह एम बोल रहा है. स्क्रीम्ड पेगोटी. पेगोटी ने चुरा जोर से आवाज तक के बोला ग्रोड आउट ऑफ नॉलेज. ग्रोड मींस एक्चुअली ग्रोन. ये रॉन्ग इंग्लिश है. ग्रोड एक्चुअली ग्रोन मींस ग्रीव आउट ऑफ नॉलेज मतलब उसका अभी इतना बड़ा हो गया है उसका ज्ञान हुआ है थोड़ा. आई डिडंट तो ये पेगोटी ने बोला कि ये मेरा हैम है मतलब हैम है. हैम एक लड़का है उसका कजिन है पेगोटी का. I didn't feel that I knew him as well as he knew me.
तब डेविड कॉपरफील्ड बोल रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस लड़के को जानता हूं और वो मुझे भी जानता है, बिकॉज ही हैड नेवर कम टू आवर हाउस, क्योंकि पहले इससे पहले वो हमारे घर में कभी नहीं आए थे। ही वॉज नाउ ए ह्यूज स्ट्रॉन्ग फेलो, अब वो बहुत बड़ा हट्टा कट्टा एक लड़का हो गया, 6 feet high, 6 feet ऊंचा, ब्रॉड इन प्रोपोर्शन, उसके आकार में भी चौड़ा ब्रॉड एंड राउंड शोल्डर्ड, गोल उसका कंधा हो गया है, बट विथ सिंपरिंग बॉयज फेस। सिंपरिंग मतलब क्या होता है, देखो विथ ए सिली स्माइल, थोड़ा बुद्धू की तरह हंसना, वो हंस रही थी, वो लड़का हंस रहा था, बॉयज फेस ड्यूरिंग लाइट हेयर दैट एंड कर्ली लाइट हेयर, और उसका जो घुंघराले हल्का सा बाल था, दैट गेव हिम क्वाइट ए शिपिश लुक, जिससे वो बहुत ही लाज शिपिश मतलब शर्मिले टाइप का दिख रहा था वो हैम। ये हैम का डिस्क्रिप्शन दिया। हैम सेड, हैम ने तब क्या बोला, यॉन्स आवर हाउस मास्टर डेवी। तो हैम का उच्चारण कैसे, यॉन्स यॉन्स तो बहुत यॉन्डर, एक्चुअली यॉन्डर व्हाट यहां पर शॉर्ट में यॉन्डर, यॉन्डर मतलब फार अवे बोल सकते हो या दूर में बोल सकते हो, अवे देयर वहां पर, हाँ तो उसको शॉर्ट में यॉन यॉन बोल रहा है, यॉन मीन्स यॉन्डर बोल रहा है, ये हमारा घर है मास्टर डेवी, मास्टर मीन्स मास्टर, मास्टर को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, मास्टर मास्टर डेवी मतलब मास्टर डेवी आई से, तब डेवी ने क्या बोला, दैट इज इट, क्या यही नहीं है, बोले ये तुम्हारा घर है, दैट शिप लुकिंग थिंग, ये तो जहाज की तरह दिख रहा है। तो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट द हाउस वॉज बिल्ट ऑन एन अबंडेंट शिप, पहले जमाने में जंग में जो जहाज खराब हो जाता था वो यूज नहीं होता था, उसको लोग वो जहाज वहीं का वहीं रहता था, उसको कोई कोई लोग उसको कैप्चर करके उसको घर बना लेता था, वहीं पर रहता था, तो दे वर एक्चुअली पुअर फेलोज एंड दे हैड देयर हाउस देयर इन द शिप। That's it. यही हमारा घर है मास्टर डेवी, रिटर्न आए हैं, हमने बोला अरे यही हमारा घर है। Peggotty opened the little door. Peggotty ने वो दरवाजा खोला एंड showed me the bedroom. मुझको अपना बेडरूम दिखाया, उसमें छोटा सा बेडरूम था, बेडरूम भी था, इट वॉज द मोस्ट डिजायरेबल बेडरूम एवर सीन, ये बहुत ही डिजायरेबल बहुत ही मतलब मन के चाह की तरह एक बेडरूम था जो मैंने कभी देखा था, मतलब इससे पहले इतना अच्छा बेडरूम नहीं देखा था, विद ए लिटिल विंडो, छोटा सा खिड़की भी था एंड ए लिटिल लुकिंग ग्लास, छोटा सा लुकिंग ग्लास मतलब आईना था, जस्ट द राइट हाइट ऑफ मी, ठीक मेरे ही हाइट के मतलब मेरे जितना हाइट है उसी हाइट के बराबर एक आईना था। नेल्ड अगेंस्ट, जिसको नेल से मतलब कील से लगाया गया था, इन द वॉल फ्रेम्ड विथ ऑयस्टर सेल्स, जो आईना ऑयस्टर मतलब एक तरीके का पानी में मिलता है, एक तरीके का समुद्री वो होता है चीज होता है ऑयस्टर, तो ऑयस्टर की ऊपर के शेल से बनता है वो आईना का फ्रेम, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग, जो इतना मजबूत था, दैट व्हेन आई टुक आउट वो स्मेल इतना ऑयस्टर सेल, सॉरी ए लिटिल बेड, एक छोटा सा बिस्तर था, विच देयर वॉज जस्ट रूम एनफ टू गेट इन टू, इतना छोटा रूम था कि उसमें रूम में कोई एक ही जा सकते थे, एंड ए ब्लू मग, एक नीला रंग का मग भी था ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। वन थिंग आई पर्टिकुलरली नोटिस, एक चीज जो मैंने गौर किया इन दिस डिलाइटफुल हाउस, इतना सुंदर घर में, वॉज द स्मेल ऑफ फिश, मछली का स्मेल आ रहा था, मतलब खुशबू या स्मेल आ रहा था, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग, मछली का वो जो स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना जोरदार था, मैंने टुक आउट माई पॉकेट हैंडकरचीफ, जब मैंने अपना रुमाल अपना पॉकेट से निकाला टू वाइप माई नोज, मैं अपने नाक को पोंछने के लिए, आई फाउंड इट्स मेल्ट एग्जैक्टली एज इफ इट हैड रैप्ड अप ए लॉबस्टर, मतलब उस हैंडकरचीफ से मछली का वो आ रहा था, स्मेल आ रहा था, जैसे कि मानो लॉबस्टर, लॉबस्टर एक तरीके का मछली होता है, कुछ इस किस्म का देखने होता है, ऐसे ऐसे साइंस के बुक में तुम देखोगे इस किस्म के देखने होता है, हाँ लॉबस्टर लॉबस्टर ये भी एक तरीके का मछली किस्म के होता है, लॉबस्टर का फिश। ऑन माई इम्पार्टिंग दिस डिस्कवरी इन इन
कॉन्फिडेंस टू पेगोटी, जब मैंने पेगोटी को ये सब बताया कि देखो ये ऐसे स्मेल आ रहा है, शी इन्फॉर्म मी, उसने मुझे बताया दैट ब्रदर डेल्ट इन लॉबस्टर क्रैब्स एंड क्रॉफिश, उसने बताया कि उसका भाई यानी मिस्टर पेगोटी जो था, पेगोटी का भाई, वो इन डील इन मतलब बिजनेस करता था इन सब का, लॉबस्टर्स का, क्रैब्स जो एक केकड़ा की तरह होता है, क्रैब्स कुछ इस किस्म का देखने होता है, इस किस्म का देखने होता है क्रैब्स, क्रैब्स CRABS, हाँ तो क्रैब्स होता है, और क्रॉफिश, क्रॉफिश भी एक तरीके का मछली होता है, तो वो उसने बताया कि उसका भाई ये सब बिजनेस करता है। ओके ओके आई थिंक डियर स्टूडेंट, आई थिंक इट इज एनफ फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ओके गुड डे।